नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। देश भर में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया है कि कोचिंग सेंटर भी बंद किए जाएं, सिर्फ पहले से निर्धारित परीक्षाएं ही कराई जा सकेंगी। इस फैसले के साथ स्कूल अब केवल ऑनलाइन क्लासेस ही आयोजित करा सकेंगे, अब प्रैक्टिकल के लिए भी क्लास आयोजित नहीं की जाएंगी। नए शेड्यूल के अनुसार 8 मई से कराई जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। परीक्षार्थियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र को अमल में लाया जाएगा। प्रदेश में रोजाना कम से कम 1,00,000 आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाएंगे और सभी सरकारी तथा निजी टेस्टिंग लैब पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि कोरोना पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने के लिए टेस्टिंग में देरी बिल्कुल ना की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन का काम प्रदेश में बहुत तेजी से चल रहा है। अब तक 85,00,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। राज्य में 4 दिवसीय टीका उत्सव आज से प्रारंभ हो चुका है। 6,000 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य जारी है। वैक्सीनेशन के काम में और तेजी लाई जाएगी ताकि हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर में पहले ही स्कूल बंद कराए जा चुके हैं। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रदेश भर के स्कूलों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। 30 अप्रैल के बाद स्थिति के अनुसार आगे विचार किया जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि देश में कोरोना बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में हम सभी को चाहिए कि हम कोरोना के लिए बनाए गए नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।